हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान प्रियो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसमें लगभग 350 लगभग वैकेंसी निकल के आई है। बहुत अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो अगर रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा दें। वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि इसका डिटेल क्या है। स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई देता होगा, मैं एक ऑफिशियल वेबसाइट पे गया हूँ जो आप लोगों को मैक्सिमम कैंडिडेट को पता होगा जो थोड़ा बहुत कहीं पे काम अगर या फिर जॉब वगैरह करते हैं। तो इम्प्लॉय प्रोवाइडिंग फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, ईपीएफ की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकल के आई है, तो इसको ईपीएफ इसका शॉर्ट नेम हो जाता है। तो इसका सबसे पहले हम लोग एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हैं जहाँ भी, और हम लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट मिलेगा कहाँ, तो ये इसका होम पेज में जाने के लिए ये आपको क्लिक करना पड़ेगा, ये लिंक यूआरएल पे डालना पड़ेगा, www.epfindia.gov.in, ये इसका ऑफिशियली लिंक है। मैं थोड़ा इस पे नीचे आता हूँ। अब नीचे आता हूँ तो देखिए हम लोगों का व्हाट्स न्यू एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बहुत सारे लिंक यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिसमें कॉर्नर पे देखिए दिया गया है सी ऑल। मैं सी ऑल पे क्लिक करता हूँ तो सारे एडवर्टाइजमेंट हम लोगों का यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत सारे आप लोगों को नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलेंगे रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। देखिए ये एक दिया गया है, ये एक दिया गया है, बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल मैं एक के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ जो पहले है। जो पहले है मतलब ये अभी लेटेस्ट निकाल के आई है, इसीलिए मैं इस पे बता रहा हूँ। इसके लिए हम लोगों को देखिए यहाँ पे रीड का ऑप्शन दिया गया है। मैं रीड पे क्लिक करता हूँ तो हम लोगों का पीडीएफ डाउनलोड होकर सामने में आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख सकते हैं 45 पेजेस का ये पीडीएफ है। तो इसीलिए मैं थोड़ा जितना हो सके इसको शॉर्ट में बताऊंगा, और जो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है वही सब बताऊंगा। बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में दे दिया रहूंगा, वहां पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए और डिटेल में अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए इसको अप्लाई करने से पहले। तो ये जो रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बताया, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से निकल के आई है, जिसको इंग्लिश में एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग फंड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जॉब है। चलते हैं हम लोग नीचे आते हैं और जो इम्पोर्टेंट एक टेबल बन के आता है यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट दिया गया क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्लीकेशन कब ये स्टार्ट होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने का ये 27 जून 2019 को दिया गया है। उसके बाद यहाँ से लेके आप लोग 21 जुलाई तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। सारे डिटेल पहले से ही दे दिया गया है। प्रोग्राम देखिए, डाउनलोडिंग ऑफ द कॉल लेटर, कॉल लेटर यानी कि एग्जाम में जाने के लिए आप लोगों का एडमिट कार्ड भी बोल सकते हैं, ये आप लोगों का डाउनलोड होगा। डेट दिया गया है देखिए 21 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का एग्जामिनेशन फेज वन जो दिया गया है ये देखिए, इसके लिए आप लोगों का ये डेट दिया गया है 31 अगस्त एंड 1 सितंबर। यहाँ पे 2 नहीं दिया गया है, सिर्फ 2 दिन होगा, 31 अगस्त और 1 सितंबर को। उसके बाद फेज 2 का जो आप लोगों का मेन एग्जाम होगा वो कॉल लेटर विल बी सेंड आफ्टर डिक्लेरेशन दिया गया, मतलब इसके बाद ये चीज बाद में ये चीज दिया गया जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों का थर्ड पेज होगा कंप्यूटर डाटा एंट्री टेस्ट, इसमें से आप लोगों का टाइपिंग वगैरह ही होगा, डाटा एंट्री मतलब टाइपिंग वगैरह ही एग्जाम होगा नीचे। और एक बहुत बड़ी सी यहाँ पे टेबल बन के आती है जहाँ पे दिया गया है आप लोगों का सारा ओरिजिन, ये सब आप लोगों का सबका अलग अलग दिया गया है। यहाँ पे स्टेट यूनियन का दिया गया है देखिए ओरिजिन। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है कितने वैकेंसी है, SC ST OBC EWS UR यानी कि जनरल, और यहाँ पे टोटल दिया गया है। यहाँ पे फिर रिजर्वेशन वाला और भी कोटेज कैटेगरी के जो आते हैं ABCD, ये सब एक्स सर्विसमैन, सबका अलग अलग से दिया गया है। जहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश के लिए दिया गया है ये, बिहार का, छत्तीसगढ़ का, दिल्ली का, गुजरात, यहाँ सब, गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, सबका अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। देख सकते हैं कितनी बड़ी है। तो आप लोग देख लीजिए कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोगों का सबसे नज़दीक कहाँ आता है, या फिर नज़दीक में करना चाहते हैं, दूर में करना चाहते हैं, सब आप लोग का डिटेल यहाँ पे मैंशन किया गया है। नीचे थोड़ा आते हैं जिसका फुल फॉर्म वगैरह यहाँ पे मैंशन कर दिया गया है, बहुत जगह पे शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है एलिजिबिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए, वो सबका फुल फॉर्म यहाँ पे मैंशन किया गया है। और थोड़ा नीचे हम लोग चलते हैं, देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे दिया गया है आप लोगों का लेवल 4 के आधार से आप लोगों की जो सैलरी रेंज रहेगी यहाँ पे
विथ इंट्री पे यहाँ पे 25,000 अंडर सेवेंथ पे के आधार से ये रहेगी। अप्लाई किस तरह से करना है, फोर्थ नंबर में दिया गया है। देखिए पहले तो डेट दे दिया गया है, उसके बाद आप लोगों का क्या क्या लगेगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह, थंब का भी आप लोगों का यहाँ पे देना पड़ेगा इसको। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप लोग जैसे मैंने बताया कि 45 पेजेस का है, एक बार इंपॉर्टेंट बहुत है, आप लोग इसको डिटेल से एक बार जरूर पढ़िए। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब आप जब सिग्नेचर करेंगे तो वो स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए, कैपिटल में नहीं होना चाहिए। और आप लोगों का लेफ्ट थंब वगैरह सब भी लगेगा यहाँ पे जैसे दिया गया है, तो ये सब आप लोगों को डिटेल जानना बहुत ही जरूरी है। 45 पेजेस है, इसीलिए मैं पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। और इसको उसके बाद एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है पहले, उसके बाद फिर आपका स्कैनिंग जो भी है उसको, जितने सर्टिफिकेट्स रहेंगे वो सबका स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये लिंक दिया गया है, देखिए यहाँ पे जाइए या तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली जाके आप लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, नेम, डिटेल, मेल आईडी वगैरह जो भी मांगेगा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, सब ये सब आपको भरना पड़ेगा। ये सब देखिए स्टेप बाय स्टेप पूरा दे दिया गया है, पहला स्टेप में ये 6 स्टेप, ये 7 स्टेप, उसके बाद 9th स्टेप में जाइएगा तो आपका ये सब फाइनल सबमिशन वाला का, फिर पेमेंट का आएगा, फिर सबमिट का आएगा, सारा दे दिया गया है। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे इमेज वगैरह लगेगा, आपका कलरफुल होना चाहिए, क्या दिया गया है सारे वहाँ पे, कितने साइज में होना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट में होना चाहिए, सिग्नेचर का अलग से दिया गया है यहाँ पे, देखिए JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, कितने साइज में, 20-50 साइज यहाँ पे दिया गया है, KB में होना चाहिए। उसके बाद आपका लेफ्ट थंब का भी दिया गया है, राइट हैंड आपका डिक्लेरेशन यानी कि हैंडराइटिंग वाला भी लिखने के लिए दिया गया है, सब आप लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा। स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या क्या स्कैन करके आप लोगों को डालना है, कितने साइज है, इस टेबल में पूरा डिटेल में दिया गया है। थोड़ा नीचे आते हैं और भी यहाँ पे देखिए दिया गया है ये सब, कहाँ पे जाना है और कैसे इसको अप्लाई करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया कि लिंक मैं पहले ही दिखा दिया हूँ, आप लोग उसी लिंक पे जाके आप लोगों को करना है। और सबका डिटेल मतलब एक एक चीज का स्टेप बाय स्टेप जैसे यहाँ पे दिया गया है, देखिए कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट, उसका एक डिटेल से अलग से यहाँ पे थ्योरी लिख के मेंशन किया गया है, तो सबका अलग अलग से पॉइंट बाय पॉइंट बायोमेट्रिक्स का भी दिया गया है, देखिए वेरिफिकेशन होने के लिए सब दिया गया है। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, बहुत लंबी है, अभी तक हम लोग 14 पेजेस पे हैं, देख सकते हैं 45 पेजेस टोटल हैं। तो मैं नीचे चलता हूँ और कुछ कुछ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एज वगैरह का डिटेल दिया गया है, एज 18-17 दिया गया है, सबका अलग अलग, जनरल, OBC, ST सबका अलग अलग से दिया गया है। इसके बीच में अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है तब भी आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये अप टू 40, 45, 43 सब कैटेगरी का दिया गया, जनरल, SC, ST, OBC ये सब का दिया गया है। एग्जामिनेशन शुल्क आप लोगों का कितना होगा, देखिए अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फी सबका अलग अलग दिया गया है, 250 दिया गया है। उसके बाद किसके लिए, SC, ST और डिजेबिलिटी फीमेल कैंडिडेट या एक्स सर्विस मैन वाले के लिए दिया गया है। उसके बाद बाकी वाला सबका लिए 500 यहाँ पे इस टेबल में मेंशन किया गया है। मोड आप लोगों का क्या रहेगा, किस तरह से कर सकते हैं, पहला तो दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म दर, यहाँ पे पेमेंट गेटवे है, जैसे यहाँ पे डेबिट कार्ड दिया गया है, डेबिट कार्ड, रुपये का, मास्टर कार्ड, ये सब एक्सेप्ट होगा, रुपये, वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, उसके बाद क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश, मोबाइल वॉलेट, ये सबसे आप लोग कर सकते हैं इसको पेमेंट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसा बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं जो मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, देख सकते हैं नीचे तक जाइएगा तो आपको यहाँ पे सब कुछ एग्जामिनेशन सेंटर का भी यहाँ पे दे दिया गया है। जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते जाइएगा तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा तो आप लोगों को ये सब जरूरी नहीं भी पड़ेगा इतना सारा डिटेल लिख पाना, लेकिन फिर भी एक बार इसको डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर तो जब आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ भी ऑप्शन रहेगा ही, फिर भी आप लोग देख लीजिए कि आप लोग पहले से देख के एक बार जरूर कर लीजिए, क्योंकि पहले से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन शुल्क वगैरह दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए।